आपका स्वागत है। मैं पूजा कंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, राहगीर को टोले ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। कोरोना काल में सेवा करने वालों का किया सम्मान। कोविड 19 की सुरक्षा दृष्टि से महाविद्यालय ने मास्क के वितरण। उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग से मिला कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधिमंडल। पार्षद अब्बासी ने अपने वार्ड का मुख्य नाला करवाया साफ। तेजेंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। स्पेशल रेल सेवाओं का हुआ संचालन। अब समाचार विस्तार से। राहगीर को टोले ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर के रिको औद्योगिक ऑफिस के सामने गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पैदल जा रहे एक राहगीर की टोले की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा घटित हुआ। हादसे में राहगीर की टोले से कुचल जाने पर मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची। रिको पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रिको ऑफिस के सामने गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल रास्ता पार कर रहे एक राहगीर टोले की चपेट में आ गया, जिससे युवक का शरीर पूरी तरह से रास्ते पर बिखर गया। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान जारी है। कोरोना काल में सेवा कार्य करने वालों का किया सम्मान। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अनुव्रत समिति जोधपुर के तत्वाधान में आज कोरोना योद्धा का सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर गीतिका पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति की तरफ से समंदर सिंह राठौर का सम्मान किया गया। उनके द्वारा कोरोना काल में 5000 गिलोय का वितरण व औषधि पौधे के रोपण व ऑनलाइन योग शिविर आयोजित कर लोगों को घर बैठे बैठे आरोग्य लाभ प्रदान किया। इस उल्लेखनीय कार्य करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरूमल, वरिष्ठ मंडल परिसंचालन अधिकारी गजराज सिंह चारण, वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग एमएल मीना अभियंता, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी मौजूद थे। कोविड-19 की सुरक्षा दृष्टि से महाविद्यालय ने मास्क किए वितरण। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती चंद्रावल गुप्ता महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अबरोड के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी से सुरक्षा की दृष्टि से मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के मास्क वितरण कार्यक्रम के तहत सब्जी मंडी मेघलवास व आसपास के क्षेत्र में 500 मास्क वितरित किए गए एवं साथ ही महामारी से सुरक्षा के उपाय से अवगत कराया गया एवं सावधानी रखने की अपील की गई। खबर का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ऑरेंट टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ऑरेंट का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ऑरेंट ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग से मिला कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधिमंडल। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक क्षेत्रीय दलवीर सिंह गड्ढा के अवरोध आगमन पर नगरपालिका नव निर्वाचित कांग्रेसी पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायम खानी एवं वरिष्ठ पार्षद कांतिलाल परियार ने पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विभाग राज्य सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले कई माह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार आम जन को भारी राहत दिलाने के लिए नामांतरण प्रकरणों को अतिशीघ्र निपटाने के निर्देश जारी कर रही है, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों की सूचना व जानकारी मांगे जाने पर पूर्व अधिशासी अधिकारी त्रिकम दास चारण एवं संबंधित कनिष्ठ लिपिक ने झूठी सूचना भेजते हुए अवगत कराया कि नगरपालिका में मात्र 40 नामांतरण प्रकरण लंबित है, जबकि वास्तविकता में 300 से अधिक नामांतरण के प्रकरण हैं और इनके आवधिक महीनों से पालिका के चक्कर काट रहे हैं। उपनिदेशक ने मौके पर उपस्थित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बंसल से इस संबंध में जानकारी लेने पर अधिशासी अधिकारी ने स्वीकार करते हुए अब तक 250 प्रकरण लंबित है, पूर्व में 40 प्रकरणों के ही लंबित होने की सूचना
कब और क्यों भेजी गई उन्हें जानकारी नहीं है। वे इस संबंध में संबंधित लिपिक को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि लंबित सभी मामले को एक अभियान के तौर पर एवं शिविर लगाकर इस माह निष्पादित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पार्षद अब्बासी ने अपने वार्ड का मुख्य नाला करवाया साफ। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में गंदगी चरम सीमा पर है। नगर पालिका बोर्ड बनने के बाद पार्षदों की पहली प्राथमिकता वार्डों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना है। इसी की तर्ज पर वार्ड नंबर 26 के पार्षद शमशाद अली अब्बासी ने सवेरे ही अपने वार्ड में जेसीबी बुलाकर नाले की सफाई का कार्य शुरू करवाया। वार्ड 26 नंबर के कारीगर मोहल्ले में कई सालों से बंद पड़े बरसाती नालों को जेसीबी की सहायता से खुलवाया गया। इस मौके पर पहुंचे सफाई निरीक्षक अर्जुन सिंह व जमादार अनिल परमार व अन्य सफाई कर्मचारियों के साथ वार्ड पार्षद अब्बासी ने पूरे वार्ड का दौरा किया एवं सफाई व्यवस्था के लिए सफाई निरीक्षक को नियमित रूप से सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस अवसर पर वार्ड वासी मौजूद थे। तेजेंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार तेजेंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज दानवाव तलहटी अबरूर द्वारा मोहला सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान के निर्देशानुसार 9 जनवरी 2021 को जनजातीय अंचल के ग्रामीणों को स्वास्थ्य स्वच्छता और कोरोना के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता रैली के साथ ही घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए महाविद्यालय स्टाफ सदस्यों ने जनजातीय अंचल के ग्राम जोड़िया फली में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया एवं 600 मास्क वितरण किए गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आनंद सिंह एवं बीएड समस्त व्याख्याता मय स्टाफ मौजूद। स्पेशल रेल सेवाओं का हुआ संचालन। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आगामी हरिद्वार महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 2 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन कर रहा है तथा 1 रेल सेवा का विस्तार योग नगरी ऋषिकेश तक जा रहा है। ओखा देहरादून स्पेशल रेल सेवा दिनांक 15 जनवरी 2021 शुक्रवार से अग्रिम आदेशों तक ओखा से 10 बजे रवाना होकर अगले दिन देहरादून 19:45 पर आगमन करेगी। इसी प्रकार देहरादून ओखा स्पेशल रेल सेवा दिनांक 17 जनवरी 2021 से रविवार से अग्रिम आदेशों तक देहरादून से 5:50 पर रवाना होकर अगले दिन 14 बजे ओखा पहुंचेगी। इस प्रकार ऋषिकेश अहमदाबाद स्पेशल रेल सेवा 12 जनवरी 2021 मंगलवार से अग्रिम आदेशों तक योग नगरी ऋषिकेश से 14:50 पर रवाना होकर अगले दिन 15:40 पर अहमदाबाद पहुंचे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सूरत शहर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन सभी खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए जय भारत जय सूरत।